दोस्तों रॉयल रोम्बल 2023 को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे बिकॉज कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिनके अकॉर्डिंग द रॉक रॉयल रोम्बल में अपना शॉकिंग रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक द रॉक रसलमेनिया 39 में नहीं आएंगे बिकॉज द रॉक जिस शेप में रसल करना चाहते हैं उस शेप में उनका अप्रैल तक आ पाना मुश्किल है, एंड इसीलिए द रॉक ने अपने WWE रिटर्न को डिनाइड यानी कैंसिल कर दिया। एंड रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक WWE को कुछ महीनों से ऑलरेडी पता था कि द रॉक रसलमेनिया 39 में रसल नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी WWE हाइप्स बनाती रही। बाकी WWE में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाकी द रॉक WWE में इसीलिए नहीं आने वाले बिकॉज उनकी बॉडी शेप रसल करने जैसी नहीं है, लेकिन हम सबको पता है कि द रॉक कितने हार्ड वर्किंग है, अगर वो चाहे तो अपनी बॉडी रसलमेनिया 39 तक शेप में ला सकते हैं, लेकिन मे बी रॉयल रोम्बल 2023 में द रॉक नहीं आने वाले, तो देखना होगा क्या कुछ होता है। बात करें अगली अपडेट की तो फाइटफुल सेलेक्ट ने कन्फर्म करा है कि WWE अपनी फॉर्मर टेक टीम स्टेबल ऑथरोफेन को वापस लाने में इंटरेस्टेड है, एंड मे बी बहुत जल्द ऑथरोफेन हमें WWE में अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। बाकी देखना होगा ऑथरोफेन NXT में आते हैं या फिर मेन रोस्टर में। बात करें अगली स्टोरी की तो दी अंडरटेकर ने मंडे नाइट रो की 30th एनिवर्सरी के रिटर्न को लेकर अपना स्टेटमेंट दिया है। टेकर ने ट्वीट करके लिखा है, फ्रॉम बीइंग इन द मेन इवेंट ऑफ द वेरी फर्स्ट एपिसोड एंड एवरीथिंग दैट फॉलोड, इट्स बीन ए वाइल्ड 3 decades, कैंट वेट टू सेलिब्रेट 30 years ऑफ रो। एंड यहाँ पर दी अंडरटेकर ने अपनी एक्साइटमेंट मंडे नाइट रो को लेकर जाहिर करी है। बाकी दोस्तों आई होप कि इवनिंग तक आपको इस चैनल पर मंडे नाइट रो के प्रीव्यू की वीडियो मिल जाएगी, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो। बात करें अगली अपडेट की तो जॉन सीना सोशल मीडिया पर WWE 2K23 का एम्प्टी पोस्टर शेयर करते हैं, जिसके बाद स्पेकुलेशन है कि जॉन सीना WWE 2K23 के वीडियो गेम के पोस्टर बॉय बन सकते हैं, एंड मे बी रसलमेनिया 39 में जॉन सीना बड़ा मैच रसल करना चाहते हैं। बस देखना होगा कि उनका अपोनेंट लोगन पॉल होता है या फिर ऑस्टिन थ्योरी। बात करते हैं फाइनल अपडेट की तो दोस्तों क्राउन जेवल इवेंट के बाद बॉबी लेस्ली ने स्टेटमेंट दिया था कि ब्रोक लेसनर के साथ बॉबी लेस्ली नो होल्ड्स बेरिड मैच चाहते हैं, जिसके बाद दोस्तों अब लेटेस्ट इंटरव्यू के दौरान हिंदुस्तान टाइम में बॉबी लेस्ली ने कहा कि वो ब्रोक लेसनर के साथ नो होल्ड बेरिड मैच चाहते हैं जिसमें नो डिस्क्वालिफिकेशन होगा और ये दोनों बंदे आपस में भिड़ने वाले हैं। एंड यहां पर लेस्ली ने ब्रोक लेसनर को एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच के लिए कॉल आउट करा है, एंड मे बी मंडे नाइट रो की 30th एनिवर्सरी में बीस्ट ब्रोक लेसनर अपना रिटर्न करके लेस्ली का चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड दोस्तों मे बी रॉयल रोम्बल या फिर रसलमेनिया 39 में बॉबी लेस्ली एंड ब्रोक लेसनर का नो होल्ड बेरिड मैच हमें देखने को मिल सकता है। बाकी देखना होगा लेसनर कब तक अपना रिटर्न करते हैं। तो बस ये थी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।